हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास का एक टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.4 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करने के पहले आपको कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये फॉर्मूले आपको जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, उसका सॉल्यूशन निकालने का कुछ फॉर्मूले होते हैं कि अगर आपको साइन एक्स इक्वल टू जीरो हो, अगर साइन एक्स की वैल्यू जीरो हो तो एक्स इक्वल टू एन पाई होता है। अगर साइन एक्स की वैल्यू जीरो हो तो एक्स इक्वल टू क्या होता है, एन पाई होगा। ठीक है बच्चों, अगर कॉस एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू क्या होगा, 2n + 1 × π/2 होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर टेन एक्स इक्वल टू जीरो होगा तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू एन पाई हो जाएगा। अगर आपको टेन एक्स इक्वल साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई होता है तो आपको x इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या होगी, एन पाई प्लस माइनस वन पे पावर एन इंटू वाई, ये वैल्यू होगी। ठीक है बच्चों, अगर cos x इक्वल टू cos y होता है तो x इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, 2n π + -y। अगर tan x इक्वल टू tan y होता है तो x इक्वल टू एन पाई प्लस वाई, इसको आप याद कर लो, इसी से पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इसकी पूरे की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इसको अच्छे से कर पाओगे। चलिए बच्चों, एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू एंड जनरल वैल्यू, जनरल सॉल्यूशन, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है और जनरल वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू एंड जनरल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, आपको इसमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू और इसकी जनरल वैल्यू फाइंड आउट करना है बच्चों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, टेन एक्स इक्वल्स टू रूट थ्री है। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू मतलब एक्स की किस वैल्यू के लिए, टेन की वैल्यू क्या होगी, रूट थ्री होगी, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू, तो टेन आपको पता है कि रूट थ्री कहां होता है, मतलब टेन की किस वैल्यू के लिए रूट थ्री होता है, तो आपको पता है टेन 60 आपको रूट थ्री होता है, तो इसको आप लिख सकते हो कि टेन एक्स इक्वल्स टू आपका रूट थ्री था, तो इसको लिख सकते हो आप क्या, टेन एक्स इक्वल्स टू टेन पाई बाई थ्री। ठीक है बच्चों, रूट थ्री को हमने क्या लिख दिया, पाई बाई थ्री लिख दिया, रूट थ्री को हमने क्या लिख दिया, पाई बाई थ्री लिख दिया। अब क्या हो गया, टेन से टेन हट जाएगा तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एक्स क्या हो जाएगी, ये तुम्हारी पाई बाई थ्री रेडियन हो गया। ठीक है, तो टेन से टेन हट गया, एक्स की वैल्यू थ्री हो गई, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो गई, पाई बाई थ्री रेडियन, ये रेडियन में आएगी क्योंकि रेडियन में होती है, पाई जहां भी होता है वो रेडियन में होता है, ये आपको पता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एक्स क्या आ गई, पाई बाई थ्री मतलब 60 डिग्री आ गई, ये कितना हो गया, पाई बाई थ्री रेडियन हो गया। ठीक है, चलिए अब क्या बोल रहा है, जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था टैन थीटा इक्वल्स टू टैन अल्फा। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, टैन थीटा इक्वल्स टू टैन अल्फा की वैल्यू क्या होती थी, एन पाई प्लस अल्फा। ठीक है, एन पाई प्लस क्या होता था, एन पाई प्लस अल्फा होता था बच्चों। ठीक है, या वाई जो भी बोल दो आप, देखो कैसे इसको लिखोगे, पहले आप, पहले आपको यहां इस वाले क्वेश्चन को लिखोगे कि टैन एक्स इक्वल्स टू टैन, ये अभी हमने पढ़ा कि टैन एक्स इक्वल्स टू टैन वाई का फॉर्मूला क्या पढ़ा, टैन एक्स इक्वल्स टू टैन वाई का फॉर्मूला पढ़ा, एक्स इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस वाई, हमने पढ़ा फॉर्मूला, ये क्या पढ़ा कि टैन एक्स इक्वल्स टू टैन टैन वाई हो, फॉर्मूला क्या होता है, एन पाई प्लस थीटा होता है, प्लस अल्फा जो भी बोलोगे। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दोगे, प्लस के टर्म में ही रखो, ज्यादा अच्छा रहेगा इसमें। यहाँ एक्स देखो, यहाँ क्या हो गया, इसकी जनरल वैल्यू क्या हो गई, जनरल वैल्यू ये तुम्हारा एक्स हो गया, हमने एक्स लिख दिया, फिर फॉर्मूला क्या है, एन इंटू पाई, हमने यहाँ लिख दिया एन पाई प्लस, यहाँ देखो
ये जो टर्म था ये y था, यहाँ y कितना है, y आपको यहाँ पे पाई बाई थ्री है, यहाँ हमने पाई बाई थ्री लिख दिया, तो जनरल वैल्यू क्या हो गई, एन पाई प्लस पाई बाई थ्री, ये इसकी जनरल वैल्यू हो गई बच्चों, ठीक है। चलिए अब सेकंड देखते हैं, ये बहुत इजी साइज है। चलिए सेकंड क्या है, sec x इक्वल्स टू टू, sec x इक्वल्स टू टू, ठीक है। अब टू sec में किसकी वैल्यू होती है, आपको याद है, आपको पता है sec 60 होती है, यहां लिख सकते हो sec 60 इक्वल्स टू क्या हो गया, टू हो गया, लेकिन हमने sec का कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ साइन कॉस और टैन का पढ़ा, हमने क्या पढ़ा है, सिर्फ साइन कॉस और टैन का पढ़ा है, ठीक है। तो इसको हमको कॉस में चेंज करना पड़ेगा, तो क्या ऐसा लिख सकते हैं, वन अपॉन कॉस 60 इक्वल्स टू टू हो जाएगा, मतलब सेक को वन अपॉन कॉस लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस 60 इक्वल्स टू टू हो गया। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, कॉस 60 की वैल्यू क्या हो गई, वन अपॉन, जिसको मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस 60 क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू हो जाएगा, ठीक है। अब कॉस के लिए वन अपॉन टू कहां पे होता है, 60 में होता है, यहां लिखोगे, सॉरी यहां पे तो एक साफ है ना, ऐसे करना पड़ेगा, देखो सॉरी यहां पे साइन एक्स, ये यहां से ही था, साइन एक्स को साइन एक्स लिखो, यहां आपको टू की वैल्यू क्या होती है, इसको ऐसे भी कर सकते थे आप, एक और इजी तरीका बता दूं मैं आपको, देखो सबसे सिंपल, देखो सबसे पहले कॉस को चेंज कर लो, तो इसको सेक को क्या लिख लो, वन अपॉन कॉस, वो भी सही था, ऐसे कर लो, सिंपल हमने क्या किया, सेक को चेंज कर लिया कॉस में, तो सेक क्या हो गया, वन अपॉन एक्स हो गया, याद तक समझ में आ गया आपको। अब देखो अब यहां पे हम लिख सकते हैं कि कॉस एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, वन अपॉन टू हो गया, अब ये सब इजी उससे हुआ, अब वन अपॉन टू की वैल्यू कॉस में कितनी होती है, कॉस आपको पता है कि कॉस 60 क्या होता है, वन अपॉन टू होता है, तो हम वन अपॉन टू के बदले कॉस 60 लिख सकते हैं, कॉस 60 को रेडियन में क्या लिखा जाता है, कॉस पाई बाई थ्री लिखा जाता है, एक्स की वैल्यू पाई बाई थ्री, ये क्या हो गई, एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है बच्चों, इस एक एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू पाई अपॉन थ्री हो गई, ठीक है। अब एक्स की जनरल वैल्यू क्या होगी, तो आपको पढ़ा, आपको पता है, आपको बताया मैंने कि कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई होगा, तो एक्स इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस वन, टू एन पाई प्लस वन, एक्स इक्वल टू टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू, सॉरी कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई का फॉर्मूला आपको होता है टू एन पाई प्लस माइनस वन, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, टू एन पाई प्लस माइनस वाई होता है, फॉर्मूला वहां पुट कर दो, आप लिखो उसकी, आपको निकालना है जनरल वैल्यू, तो यहां लिख दो कि कॉस एक्स इक्वल्स टू कॉस पाई बाई थ्री, तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, इसकी जनरल वैल्यू क्या हो गई, टू एन पाई प्लस माइनस पाई अपॉन थ्री, ये इसकी क्या हो गई, जनरल वैल्यू हो गई, ठीक है। जनरल वैल्यू क्या हो गया, टू एन पाई प्लस माइनस वन अपॉन प्लस माइनस पाई अपॉन थ्री, ये इसकी जनरल वैल्यू हो गई बच्चों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, कॉट एक्स की वैल्यू वन माइनस माइनस थ्री, हाँ ये अच्छे समझना, माइनस रूट थ्री है, कॉट एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस रूट थ्री, तो पहले कॉट को हम क्या करेंगे, टाइम में चेंज कर सकते हैं, इसको लिखेंगे वन अपॉन टेन एक्स इक्वल टू माइनस रूट थ्री, ये हमने कर दिया। अब क्या हो बच्चों, टेन एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री, अब टेन एक्स इक्वल टू माइनस, अब वन अपॉन रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है, ठीक है, तो वन अपॉन रूट थ्री टेन में पता आपको है किसकी होती है, टेन थर्टी की वैल्यू होती है, यहां हमने लिख लिया टेन थर्टी लिख लिया, ठीक है, लेकिन माइनस लाना है, तो टेन माइनस में कहां पे होगा, अब देखो अच्छे से, ये आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो पहले अगर हम पाई माइनस थीटा करेंगे, मतलब टेन माइनस कहां पे होता है, इसको ध्यान से समझना, ये टेन माइनस में, तो टेन माइनस होता कहां पे है, तो टेन माइनस या तो इसमें या तो इसमें, या तो सेकेंड क्वाड्रेंट या तो फोर्थ क्वाड्रेंट,
स्टार्ट करेंगे छोटे वाले सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सा पाई माइनस थीटा होता है, ये आपको पता है कि सेकंड में सा पाई माइनस थीटा और थर्ड में पाई प्लस थीटा होता है। तो मतलब अगर इसको हम लिख दें पाई माइनस थर्टी तो ऑटोमेटिक ये टर्म माइनस ही आएगा क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है बच्चों, इसको अच्छे समझ लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, कि ये माइनस का टर्म है। अगर हम इसको टेन पाई माइनस थर्टी लिख दें तो ऑटोमेटिक ये जब बाहर खुलेगा तो ये माइनस का टर्म आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा टेन अंदर चला जाएगा माइनस। देखो ऐसा लिख सकते हैं टेन पाई माइनस थर्टी, ठीक है बच्चों इसको लिख सकते हैं टेन पाई माइनस थर्टी। याद तक कोई डाउट आपको? ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा आपको? अब इसको लिखोगे टेन एक्स इक्वल्स टू टेन 150, यहाँ पे क्या हो गया टेन एक्स इक्वल्स टू टेन 150, तो वन तो यहाँ लिखोगे एक्स इक्वल्स टू 150, इसको रेडियन में चेंज करोगे तो 5 पाई बाई 6 आएगा, इसको सॉल्व करना आ जाएगा 5 पाई बाई 6 रेडियन, एक्स की वैल्यू क्या हो गई 5 पाई। इसको अच्छे समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। अब इसका तुमको निकालना है जनरल वैल्यू, जनरल वैल्यू कैसे निकलेगा? देखो टेन एक्स प्लस टेन वाई का फॉर्मूला पढ़ चुके हो, एक्स इक्वल टू क्या होता है एन पाई प्लस वाई होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये आप पढ़ चुके हो। तो क्या यहाँ पे लगा सकते हो टेन एक्स प्लस टेन 150, यहाँ पे हमने इससे लिख दिया, यहाँ पे गिवन आपका है टेन एक्स इक्वल टू टेन 150 का मतलब 5 पाई बाय 6। जब इसका जनरल सॉल्यूशन निकालोगे इसका जनरल सॉल्यूशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू एन पाई प्लस 5 पाई अपॉन 6, ये तुम्हारा हो गया। ठीक है बच्चों, एन पाई प्लस 5 पाई अपॉन 6 वो तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इसमें ये चीज आप अच्छे समझ लेना कि माइनस अंदर कैसे गया। ठीक है, दो क्वेश्चन में और यूज आएंगे, वहां पे अच्छे से आप इसको क्लियर कर लो, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या है, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू माइनस टू। देखो इसमें जो ये कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी है माइनस टू है। ठीक है, तो इसमें पहले कॉसेक को हम लोग कॉसेक का पढ़े हैं, कॉसेक का तो नहीं पढ़े हैं हम लोग, किसका पढ़े हैं हम लोग साइन का पढ़े हैं। तो कॉसेक को पहले आप क्या करोगे साइन में चेंज करोगे। ठीक है, पहले कॉसेक को क्या करोगे, कॉसेक को आप साइन में चेंज करोगे, तो इसको लिखोगे वन अपॉन साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई माइनस टू हो गई। ठीक है बच्चों, अब यहां पे क्या कर दोगे साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन टू। अब देखो वन अपॉन टू साइन में कहां पे होता है, तो पता है आपको साइन थर्टी इक्वल टू आपको होता है वन अपॉन टू मतलब साइन पाई बाई सिक्स, लेकिन ये माइनस है तो माइनस किस कोऑर्डिनेट में होता है आफ्टर स्कूल टू, इसमें होता है मतलब पाई प्लस थीटा करोगे, मतलब इसको पाई प्लस थीटा लिख सकते हैं। तो हमने यहां लिखा साइन थीटा इक्वल्स टू साइन पाई प्लस पाई अपॉन सिक्स, देन साइन थीटा इक्वल्स टू साइन सेवन पाई अपॉन सिक्स, देन थीटा इक्वल्स टू सेवन पाई अपॉन सिक्स, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। ठीक है बच्चों, ठीक है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई साइन पाई अपॉन सिक्स, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। अब देखो अब सिंपल सा है, अब इसमें तुमको जनरल वैल्यू निकाली, जनरल वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है एन पाई प्लस माइनस वन पे पावर वाई, क्या होता है एन पाई प्लस माइनस वन पे पावर एन इंटू वाई, ये फॉर्मूला लगा दो तो क्या लिखोगे साइन थीटा इक्वल्स टू साइन सेवन पाई अपॉन सिक्स, वो फॉर्मूला लगा दो थीटा नहीं यहां पे जो भी थीटा मान लो, ठीक है थीटा है थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एन पाई प्लस माइनस वन पे पावर एन सेवन पाई अपॉन सिक्स, सिंपल ये फॉर्मूला इसमें पुट हो गया। ठीक है, चलिए बहुत इजी है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको और ये इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन आते भी इससे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सॉल्यूशन। फाइंड में क्या है
कॉस 4x इक्वल्स टू कॉस 2x, इसका आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, इसको इधर ला सकते हैं। हमने लिखा कॉस 4x माइनस कॉस 2x की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। हमने क्या किया, कॉस 2x को इधर ले आया, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 sin a + b / 2 into sin a - b / 2 = 0। ये फॉर्मूला सिंपल हो गया, ठीक है बच्चों। अब इस फॉर्मूला को आप क्या करोगे, सॉल्व कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 sin 3x into sin x = 0 हो गया, ठीक है। अब 2 उधर जाएगा, साइन 3x की वैल्यू 0 होगी और साइन x की वैल्यू 0 होगी। हमने यहां देखा कि साइन 3x इंटू साइन एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। इसका मतलब आपको क्या हो गया, साइन 3x भी 0 के बराबर हुआ और साइन एक्स भी 0 के बराबर हुआ, ठीक है। तो फॉर्मूला पढ़े हो, साइन एक्स इक्वल टू 0 होता है तो एक्स इक्वल टू क्या होता है, एन पाई होता है। क्या हो गया, एक्स इक्वल टू एन पाई, एक थ्री नीचे आ जाएगा, ये पूरा एक्स है, एक्स इक्वल टू एन पाई अपॉन थ्री। सेम ईयर यहाँ पे एक सिर्फ एक्स है तो एक्स इक्वल टू एन पाई हो गया, ठीक है बच्चों। अब फॉर्मूला ये पढ़ चुके हो कि साइन एक्स की वैल्यू 0 होती है तो एक्स इक्वल टू क्या होता है, एन पाई होता है, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया, इसके सॉल्यूशंस क्या आ गए, इसके सॉल्यूशंस आ गए एन पाई अपॉन थ्री और एन पाई आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कॉस 3x प्लस कॉस x माइनस कॉस 2x इक्वल्स टू 0, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो करो वो क्या, ये फर्स्ट सेकंड क्या cos t प्लस cos d के फॉर्मूला पे है, यहां पे cos t प्लस cos d अप्लाई कर लो, ठीक है। चलो करते हैं, cos t प्लस cos d क्या लिखोगे, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2 माइनस cos 2x की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। अब यहां पे लिखोगे 2 cos 2x cos x माइनस cos 2x इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है। हमने सिंपली इसको सॉल्व किया और इसको सॉल्व किया, दोनों को सॉल्व करके हमने लिख दिया। अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ पे cos 2x है, यहाँ भी cos 2x है, तो क्या कॉमन लेके बाहर ले सकते हैं, तो हमने क्या किया, cos 2x को बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0 बचा। एक बार इसको 0 के इक्वल करो, एक बार इसको 0 के इक्वल करो, यहाँ पे क्या करोगे, cos 2x को एक बार 0 के इक्वल करोगे, एक बार 2 cos x माइनस 1 को 0 के इक्वल करोगे, ठीक है। अब cos x इक्वल टू 0 का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है। क्या होता है, x इक्वल टू क्या होता है, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ये फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है। अब ये 2 नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4, ये सिंपल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब यहां देखो 2 cos x माइनस 1 है, तो इसको क्या करोगे, इसको अब देखो इसको सॉल्व करो, क्या होगा, cos x इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 हो गया। अब 1 अपॉन 2 कहां पे होता है cos में, आपको पता है cos 60 1 अपॉन 2 होता है, तो cos x इक्वल्स टू cos y का फॉर्मूला क्या होता है, cos x इक्वल्स टू cos y, यहां पे x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y, क्या होगा, x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y क्या हो गया, पाई अपॉन 3। सिंपल ये आपका फॉर्मूला यहां पे लग गया, ठीक है बच्चों। बहुत इजी है टॉपिक ये और बहुत जल्दी भी खत्म हो जाएगा ये, इसके बाद मिसलेनियस करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, साइन 2x प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसमें आपको सोचना है कि क्या करोगे, देखो स्टार्टिंग में आपको दिख रहा है साइन 2x, तो साइन 2x का फॉर्मूला लगा सकते हैं। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, क्या होता है,
साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस x होता है, ठीक है। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन x इंटू कॉस x होता है, तो यहां पे हमने साइन 2x का फॉर्मूला लगा दिया 2 साइन x इंटू कॉस x प्लस कॉस x इक्वल्स टू 0 हो गया। अब इसमें कॉमन ले लो, अब cos x कॉमन आ रहा है तो हमने cos x को कॉमन ले लिया तो 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। यहां से दो टर्म आ गया, पहला क्या आ गया आपको cos x इक्वल टू 0, दूसरा आ गया 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है बच्चों। पहला क्या आ गया cos x इक्वल टू 0 आ गया और दूसरा 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो cos x इक्वल टू 0, x का फॉर्मूला क्या होता है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 होता है, लेकिन यहां पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे लिखोगे साइन एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2, आपको मैंने सिखाया है कि 1 अपॉन 2 कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखो 1 अपॉन 2 होता किस में है साइन पाई बाय 6 में, साइन 30 साइन पाई बाय 6 में 1 अपॉन 2 होता है, ठीक है। अब ये माइनस में है तो कहां होगा आफ्टर स्कूल 2 पाई बाय 6, पाई प्लस 6 भी होगा तो साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई प्लस थीटा, तो क्या हो गया एक्स इक्वल टू 7 पाई, अब ये क्या हो गया इसको लिखो साइन एक्स इक्वल टू साइन 7 पाई अपॉन 6। आप जानते हो साइन एक्स इक्वल टू साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है क्या लिख देता हूं मैं एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 पे पावर एन थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। साइन एक्स इक्वल टू सिंपल आपको फॉर्मूला याद करना है साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई का होता है एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 पे पावर एन इंटू वाई, ये फॉर्मूला होता है, आपको पूरा फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, sec स्क्वायर 2x प्लस इक्वल टू 1 माइनस tan 2x, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। sec स्क्वायर 2x का फॉर्मूला कैसे करोगे, तो sec दोनों को एक टर्म में पहले तो चेंज करना पड़ेगा, वहां पे आपका क्या है sec स्क्वायर है, तो क्या sec का कोई फॉर्मूला होता है tan के टर्म में, आपको पता है कि sec का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, तो यहां पे sec स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो, sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस tan 2x हो गया। यहां समझ में आया, अब हमने सबको इधर एक साइड ले आओ, सबको एक साइड लाओ तो क्या होगा तुम्हारे यहां पे लिखो 1 प्लस tan स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस tan 2x इक्वल्स टू 0 हो गया, इससे का कट गया, तो यहां पे tan 2x कॉमन ले लो tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया, देन tan 2x की वैल्यू 0 हो गई और tan 2x प्लस 1 की वैल्यू 0 हो गई। आप जानते हो कि tan x इक्वल्स टू थीटा होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है x की वैल्यू n पाई होती है, तो x की वैल्यू क्या हो गई n पाई अपॉन 2 हो गया, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो कैसे करोगे tan 2x इक्वल्स टू माइनस 1, ठीक है, तो tan 2x इक्वल्स टू माइनस tan पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 माइनस में कहां होती है आफ्टर स्कूल, इसमें पाई माइनस थीटा में होती है, तो लिखोगे tan 2x इक्वल्स टू tan पाई माइनस पाई बाय 4, क्या हो गया 3 पाई बाय 4 हो जाएगा। यहां पे आप लिखोगे tan 2x इक्वल्स टू tan 3 पाई बाय 4, ठीक है बच्चों। tan x इक्वल्स टू tan y का फॉर्मूला क्या होता है n पाई प्लस थीटा, ठीक है, n पाई प्लस इसको y है तो y लिख लो अपॉन 4, ये आंसर हो गया, ठीक है 2n पाई 3 पाई बाय 4 आया क्या 3 पाई बाय, हां ये तुम्हारा हो गया, ठीक है। अब 2 को नीचे भेज दो, भेजना है
तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू एन पाई अपॉन टू प्लस थ्री पाई अपॉन एट। चलो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। साइन एक्स प्लस साइन थ्री एक्स प्लस साइन फाइव एक्स इक्वल्स टू जीरो। इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों का इस दोनों पे फॉर्मूला लगाएंगे, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। अब सोचना किसका लगाएंगे, इस दोनों को लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए समझना, फाइव प्लस वन सिक्स अपॉन टू थ्री, तो इस दोनों का लगाएंगे फॉर्मूला। क्यों अभी समझ में आ जाएगा, मैं लिखता हूं साइन एक्स प्लस कॉमन निकल जाएगा वो टर्म, साइन थ्री एक्स इक्वल टू, वैसा हमने क्यों किया, अभी देखो यहां पे इसका फॉर्मूला लगाए तो क्या होगा, टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू प्लस साइन थ्री एक्स की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। यहां पर आप क्या लिखोगे, टू साइन थ्री एक्स इंटू कॉस माइनस टू एक्स प्लस साइन थ्री एक्स इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अब कॉमन ले लो, अब तो फिर कॉमन हो गया दोनों टर्म, तो क्या हो गया, साइन थ्री एक्स कॉमन हो गया, यहां पे टू कॉस टू थीटा, क्योंकि यहां पे ये माइनस थीटा प्लस में हो जाता है, प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। अब क्या होगा, अब साइन थ्री एक्स को एक बार जीरो के इक्वल करोगे, एक बार इसको मैं सॉल्व करके लिख रहा हूं, कॉस टू एक्स इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन टू, ये करोगे, ठीक है। अब साइन थ्री एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो क्या होगा, एक्स इक्वल्स टू एन पाई, एक्स इक्वल्स टू एन पाई अपॉन थ्री, ये इसका आंसर हो गया। अब यहां पे देखो वन अपॉन टू किस में होती है, माइनस कॉस पाई बाई थ्री में होती है। अब आफ्टर स्कूल तो पाई माइनस होगा, आपके समझ में आ रहा होगा, पाई माइनस थीटा, यहां क्या हो गया, कॉस टू एक्स इक्वल्स टू कॉस टू पाई बाई थ्री। अब कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल्स टू टू एन पाई प्लस माइनस थीटा, ये आंसर होता है। अब हम क्या करेंगे, इस टू को नीचे भेज दोगे, यानी हो गए एक्स इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस पाई अपॉन थ्री, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। इस तरह आपका एक्सरसाइज 3.4 पूरा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में इसका मिसलेनियस बताया जाएगा।